कुंवर दानेश्वरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का यह मौका दिया। सर, कल जब रात फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री उस फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेजर कर रही थी, तो वाकई दिल जो है गदगद हो गया, हमारा वो हौसला जो है वो बढ़ गया। लेकिन इस देश में देखने में आया है पिछले दिनों कि रंग के को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, और रंग के नाम पर जो है फिल्मों की को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है। मैं सभापति महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन ये एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। सेंसर बोर्ड काहे के लिए आपने बना रखा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, या मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था एक कोई उलमा बोर्ड के जो है हजरत का, वो भी कह रहे कि साहब ये जो शाहरुख खान की फिल्म आई है दीपिका पादुकोण की, ये जो है बैन करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिल्मों को बैन करने का काम जो है नाम रिकॉर्ड मिल जाए। और देखिए साहब, आप तो मैं कहता हूं उन लोगों को जो इसके बैन करते, कई इस सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी हमारे सदस्य जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया, और शायद इसी हुनर को देखते हुए वो आज इस सदन के अंदर आए हैं। मैं समझता हूं कि सनातन धर्म कोई इतना कमजोर नहीं है कि एक कलर रंग का कपड़ा पहन के अगर कोई कलाकार एक्ट करता है धर्म संकट में आ जाएगा, या इस्लाम इतना कोई कमजोर धर्म नहीं है कि कोई फिल्म में एक सीन से कोई धर्म का जो है खतरे में आ जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आप ये डायरेक्शन दे कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होती है उस फिल्म के बारे में इस तरीके की धमकियां।